ओके बेटे, वन सेक्शन इज स्टिल टू ज्वाइन, बट तब तक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चल रहा है, जिसमें आज हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो। बोर्ड सबको विजिबल है? ओके बेटा, सो सॉल्ट्स में मैनो किसको विजिबल नहीं है? रेज योर हैंड्स जो सेक्शन को बोर्ड क्लियरली विजिबल नहीं है। अगर सबको विजिबल है, राइट? ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हम सॉल्ट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा, सॉल्ट कैसे होते हैं नेचर में? दे आर क्रिस्टल लाइक। टू बी से जो सॉल्ट्स हैं, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टल जैसे होते हैं सॉल्ट। जैसे आप अगर नमक का दाना भी देखोगे, तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स पाउडर्ड फॉर्म में नहीं होता है। जो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट हम घर में यूज करते हैं, दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना माइन्यूटली उनको। पर दिखने में कैसे होते हैं? या तो वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, या वो अपेक हो सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं या ओपेक हो सकते हैं, जो सॉल्ट की क्रिस्टल्स हैं, राइट? अगर आप वाटर में उनको डिसॉल्व करते हो, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो कंप्लीटली वो सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो मतलब दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। अगर तो सॉलिड स्टेट में है, तब तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर वो मॉल्टन या लिक्विड स्टेट में है, तो दे फर्निश आयंस। अब NaCl है, अगर सॉलिड स्टेट में है, तो उनकी जो आयंस है, दे आर टाइटली हेल्ड। तो जब तक आयंस आपस में बहुत स्ट्रांगली हेल्ड हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेस, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं। मगर वो मॉल्टन स्टेट में है अगर, या फिर एक्वस स्टेट में। एक्वस मींस व्हेन यू डिसॉल्व इट इन वाटर। सो मॉल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में वो अपनी आयंस फर्निश करेंगी, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, जिनकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, राइट? तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कौन सी स्टेट में आपको NaCl दिया गया है। इफ इट इज इन सॉलिड स्टेट, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इफ इट इज इन मॉल्टन और एक्वस स्टेट, सॉल्ट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? जो मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ, अगर कभी मैं जल्दी रब कर दू, यू कैन आस्क मी टू वेट, राइट? अदरवाइज साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इफ यू वॉन्ट टू राइट देम, यू कैन राइट देम जब मैं लिख रही हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। साथ साथ में छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। अगर हम सॉल्ट के टेस्ट की बात करें, तो यस, हम उसको सॉल्टी बोल देते हैं या सार टेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, फाइन। सो ये जो मैंने आपको बताया था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस जो इसमें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, दे आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, या हम इनको कुलम्बिक फोर्सेस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से पूरा वो जुड़े हुए होते हैं। टूटेंगे नहीं। टूटेंगे कब? जब आप इनको फ्यूज करोगे। फ्यूज, फ्यूजन, फ्यूजन का प्रोसेस होता है। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से उसको मेल्ट करके लिक्विड में चेंज करना, दैट इज प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और जो उसमें हीट अब्सॉर्ब होगी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सॉल्ट को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जो एंथैल्पी लगेगी, ताकि इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिसोसिएट करके उनको, आयंस को अलग अलग हम कर सके, उसके लिए आपको
हीट अब्सॉर्ब करवानी पड़ेगी उसको और वो फिर आयंस में चेंज हो जाता है, Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। सॉल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो सॉल्ट्स हैं वो भी एसिडिक या बेसिक हो सकते हैं नेचर में। एसिडिक सॉल्ट जैसे कि सोडियम बाइसल्फेट या पोटेशियम बाइफॉस्फेट, राइट, या अमोनियम क्लोराइड, ये सारे जिसमें ये हाइड्रोजन आयन्स एक्स्ट्रा है, मेटल आयन के साथ एक हाइड्रोजन एच पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा है, उस एच पॉजिटिव आयन के फर्निश होने से उसको कैसा मिलता है, उस सॉल्ट को एसिडिक करेक्टर मिलता है। और कुछ सोडियम के सॉल्ट्स, सोडियम मेटल है, मेटल के कंपाउंड्स बेसिक होते हैं, तो जो कुछ सोडियम के सॉल्ट्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, राइट, या फिर कुछ सॉल्ट्स जो हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी आपके पास बेसिक है। कुछ सॉल्ट्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कॉम्बिनेशन होगी, जैसे कि NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है जो किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, HCl एंड NaOH। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। सो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंस विद स्ट्रॉन्ग बेस आपको एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है, राइट। लेकिन यहाँ पर Na2CO3 में वीक एसिड कार्बोनिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH दे कंबाइन विद ईच अदर और आपको मिलता है बेसिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी ओवरऑल सॉल्ट का नेचर वैसा होगा। और ये जो आप एसिडिक सॉल्ट्स देख रहे हो इन सब में है स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिनके बेसिस के साथ कॉम्बिनेशन पे आपको ये सॉल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अमोनियम आयन एक वीक बेस बनाती है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, और ये ऐसी आयन है, केटायन है, जिसके पास कोई मेटल नहीं है। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, तो अमोनियम आयन जो है वो नॉन मेटेलिक आयन बनाती है। कैसे बनाती है, जब अमोनिया प्रोटोन के साथ कंबाइन करता है। अमोनिया का स्ट्रक्चर है NH3, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये कंबाइन करता है प्रोटोन के साथ तो ये अपना लोन पेयर इसको देके, इलेक्ट्रॉन्स इसको देके बनाता है NH4 पॉजिटिव। इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही यूज हुए हैं, क्योंकि प्रोटॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें कोई भी मेटल आयन इन्वॉल्व नहीं है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन हो जाती है अमोनियम आयन की, दैट इट डज नॉट कंटेन एनी मेटल बट स्टिल इट फॉर्म्स केटायन। अदरवाइज बाकी सब में आप देखोगे तो आपको मेटल की आयन मिलती है जब भी कहीं केटायन बनता है, राइट। देन कुछ कॉमनली यूज्ड सॉल्ट्स, ठीक है, कुछ कॉमनली यूज्ड सॉल्ट्स जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, अपने घरों में भी यूज करते हैं, जिनमें से हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा विच इज Na2CO3.10H2O, देन इज बेकिंग सोडा
इज NaH CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। देन विल स्टडी अबाउट ब्लीचिंग पाउडर विच इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2, जिसमें आपको मैंने बताया था कि ये मिक्स्ड सॉल्ट है। इसमें दो तरह की एनायन है, एक डबल सॉल्ट होता है जिसमें कैटायन्स होती है अलग अलग, एल्यूमिनियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के कॉम्बिनेशन से, ये मिक्स्ड सॉल्ट है। देन हम पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट जो कि है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। अब अगर आप इसमें देखोगे तो जो आपके पास सोडियम कार्बोनेट है विच इज वॉशिंग सोडा, एंड जो कैल्शियम सल्फेट है विच इज जिप्सम, इन दोनों के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो इन सॉल्ट्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है? तो जब भी आपको वॉशिंग सोडा लिखना है तो सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स भी लिखने हैं, अदरवाइज वो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट हुआ। वॉशिंग सोडा में इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट जिप्सम जिसको बोलते हैं, उसके साथ भी वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हीट करने पे इवेपोरेट किया जा सकता है, ठीक है? जब आप हीट करते हो इसको, दैट गेट्स इवेपोरेटेड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्लोरेसेंस, ठीक है? हीट करने पे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड इफ्लोरेसेंस, ठीक है? जैसे आपके पास ये वॉशिंग सोडा है Na2CO3.10H2O, स्लाइटली हीट अगर करते हो तो इसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल्स पहले निकल जाते हैं। तो 9 वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल इसके पास रह जाता है, और स्ट्रॉन्गली हीट करते हो तो ये वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा ड्राई Na2CO3, ठीक है? ये एक्शन ऑफ हीट है जिससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। आफ्टर दिस हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कल किया था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जिसमें हमने किया था कि अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl में वाटर ऐड करेंगे तो हमें मिलता था NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हमने की थी, इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने आपको बताया था एक होता है एनोड, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cl नेगेटिव आयन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है और आपको एनोड पे क्लोरीन गैस ऑक्टेन होती है, ठीक है? दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारे पास कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होती है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब हाइड्रोजन की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस H2 के फॉर्म में है, तो कैथोड पे
आपको हाइड्रोजन ऑब्टेन होगा, ठीक है? तो ये गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है, ये जो अपर एरो होती है, अगर कहीं पर आप ये देखो क्वेश्चन में, दिस सिग्निफाइज कि ये गैस रिलीज हो रही है। अगर कहीं डाउनवर्ड एरो देखते हो, इसका मतलब होता है कि उस चीज के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ठीक है? वो चीज उसके सेटल डाउन हो रही है और उसके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ठीक है? और साथ में अब ये 4 आयन उसने फर्निश की थी, वन वॉज एच पॉजिटिव, अनदर वॉज सी एल नेगेटिव, वो तो डिपॉजिट हो गए। बची कौन सी आयन्स? एक एन ए पॉजिटिव और एक ओ एच नेगेटिव। तो ये आयन्स जो बचती है वो आपस में कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेती हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट? दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। आपको इसमें क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कहाँ पर ऑब्टेन हो रहे हैं, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ये सब याद होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देन विल टॉक अबाउट बेकिंग पाउडर, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग जाता है ये बेकिंग पर्पजेस के लिए यूज होगा। बेकिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हो या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हो, ठीक है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट आप इसको बोल सकते हो। तो ये कैसे बनता है NaCl में? जब आप वाटर ऐड करते हो, साथ में अमोनिया ऐड करते हो, तो ये बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और साथ में बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? NaHCO3, ये बन गया आपका बेकिंग पाउडर। लेकिन जो बेकिंग पाउडर हमें जो छोटी सी डिब्बी में मार्केट में अवेलेबल होता है, उसमें साथ में और भी सॉल्ट्स एडेड होते हैं, जैसे कि टार्टरिक एसिड, राइट? और काम किसके आता है ये? अब बेकिंग पाउडर है तो ऑब्वियसली बेकिंग के काम तो आना ही है। ये एक एडिबल एसिड है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है? और इसका जो नेचर है, दैट इज बेसिक, दिस इज बेसिक इन नेचर, जिसकी वजह से, जैसे आपको पता है हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है, HCl है, ठीक है? तो कभी कभी स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड खाने की वजह से अगर पीएच लो हो जाती है, अगर सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, अगर सॉरी पेट की पीएच ज्यादा एसिडिक हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेसिस लेने पड़ते हैं, ठीक है? कुछ तो, अगर घरेलू अगर कुछ मेडिकेशन लेनी हो तो हम उसमें मीठा सोडा बोलते हैं इसको, हम वो कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेसिक है नेचर में, ठीक है? तो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है बेस, तो हम ये बेस सोडा, बेकिंग वाला बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एंट एसिड की तरह बिहेव करता है। एंट एसिड मीन्स जो कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। ये जितने भी जेलोसेल या डाइजीन, ये सारे जो भी हैं मेडिसिन, ये सारी एंट एसिड की प्रॉपर्टी पे, इनकी बेसिक चीजें हैं जो कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती हैं, ठीक है? तो हम बेकिंग पाउडर को भी एज एंट एसिड यूज कर सकते हैं। बेकिंग के लिए इसका यूज इसलिए होता है क्योंकि बेकिंग के दौरान, जब बेकिंग के दौरान हम यूज करते हैं इसको, तो ये डीकम्पोज होगा, हीट होगा। जब हम अवन में केक को रखते हैं, तो इसके हीट होने पे ये कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज करता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज की वजह से वो केक में, जब वो गैस के बबल्स बनेंगे ना, तो वो फ्लफी हो जाता है, दैट केक्स बिकम फ्लफी। ठीक है, तो इसीलिए उसको फ्लफी बनाने के लिए, नहीं तो वो पूरा सेट मैदे की तरह होता, जैसे आटा होता है, तो आटा, गूंदा हुआ आटा आप नहीं खा सकते हो ऐसे। तो उसको फ्लफी सॉफ्ट सा बनाने के लिए हम उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। जब ये हीट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, वो जब गैस जो है उस मैदे में से पास करती है, तो वो उसमें से पोर्स करती हुई निकलेगी और जो केक है फ्लफी हो जाता है। जैसे आप केक को तोड़ते हो तो आपको बीच में छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं ना, वो पोर्स कैसे बने? वो बने इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज से। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, उसमें छोटे छोटे छेद होंगे, जिसकी वजह से वो फ्लफी हो जाता है केक। इसीलिए इसको यूज किया जाता है बेकिंग पर्पजेस के लिए। एडिबल तो ये है ही, लेकिन इसी प्रॉपर्टी को, केक को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। देन इज वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा तो हमने किया, सोडियम कार्बोनेट होता है, मैंने आपको बताया 10 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच्ड हैं, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम वॉशिंग पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं, हम इन द प्रेपरेशन ऑफ ग्लास, इन द प्रेपरेशन ऑफ सोप, इन द प्रेपरेशन ऑफ पेपर, इन द प्रेपरेशन ऑफ सम सोडियम कंपाउंड्स, जिनको आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, लैब में भी यूज करते हो। इनफैक्ट जो स्लाइम नहीं होती, स्लाइम से खेलते रहते बच्चे, उसकी प्रेपरेशन में भी आप ये कंपाउंड यूज करते हो, विच इज कॉल्ड बोरैक्स। ठीक है, उससे आप स्लाइम प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। और क्योंकि वॉशिंग सोडा है, तो अगेन इसमें क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो क्लीनिंग पर्पजेस के लिए भी यूज कर सकते हो। प्लस इसको यूज किया जा सकता है टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वॉटर। जो पानी होता है, अगर पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन्स हो, तो उनकी वजह से हम कहते हैं कि वो वाटर कैसा है, हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन्स की प्रेजेंस हो। तो इनको रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। उससे होता क्या है कि जैसे हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन्स होंगे, ठीक है, तो जब आप सोडियम कार्बोनेट इसमें डालते हो, तो ये जो सोडियम आयन्स हैं, ये सोडियम आयन्स इनको रिप्लेस कर देती हैं। ये सोडियम आयन्स इनको रिप्लेस कर देंगे और इनकी जगह पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जो वाटर है उसकी जो हार्डनेस है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स। ठीक है, सोडियम आयन्स उसको हार्ड नहीं बनाती। तो हम जब इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और सोडियम आयन्स इधर प्रेजेंट होते हैं। टेलिंग यू अगेन, सोडियम आयन की प्रेजेंस की वजह से जो वाटर है वो हार्ड नहीं होता। वाटर हार्ड होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स की वजह से। तो इसकी वजह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट से, और वाटर को सॉफ्ट बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वे टू ट्रीट हार्ड वाटर। हार्ड वाटर अगर कभी आपने देखा हो, तो हार्ड वाटर से जब आप अपने हैंड वॉश करोगे, तो आपको हमेशा सोपी सोपी सा फील होता है, वो कंप्लीटली वॉश आउट होता सोप, राइट। तो
ऐसा नहीं होता कि नमकीन, मैं पहले सोचती थी हार्ड वाटर को बोलते, खारा पानी बोलते थे हमारे पेरेंट्स, तो मुझे ऐसा लगता था अगर पानी में नमक डिजोल्व कर दो तो शायद वो हार्ड वाटर हो जाते हैं, बट नमक क्या, नमक तो कॉमन सॉल्ट है, सोडियम आयन्स हैं, तो सोडियम आयन की प्रेजेंस से नहीं पानी हार्ड होता, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स मेक्स इट हार्ड। फाइन, तो वी आर डन विद दिस सोडियम वॉशिंग आउट, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट इज जिप्सम। जिप्सम ओके, जिप्सम जो है दैट इज कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। इसके भी अपने यूज हैं, कैल्शियम ये सल्फेट डॉट 2H2, ये जो जिप्सम है इसको हम सीमेंट में डालते हैं। सीमेंट में डालने का पर्पस क्या है कि सीमेंट में ऐसे वाटर ऐड करो तो वो सेट हो जाता है बहुत जल्दी। तो जिप्सम में वाटर, जिप्सम को सीमेंट में ऐड करने पे उसकी जो सेटिंग टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा टाइम लेता है वो सेट होने के लिए। अदरवाइज तो जैसे ही वाटर मिक्स करते हो वो वहीं पर सेट हो जाता है जहां पर मिक्सचर बना रहे हो, ठीक है। तो वी ऐड जिप्सम टू सीमेंट सो दैट इट कुड टेक सम टाइम टू गेट सेट, ठीक है, अदरवाइज इमीडिएटली वो सेट हो जाता। अब जिप्सम को आगे अगर आप हीट करते हो एट 373 केल्विन, तो ये आपको देता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है। इसका 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है दैट गोज आउट एंड जस्ट हाफ इज लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, ठीक है। किस काम आता है ये पीओपी? बहुत सारे काम है, जैसे कि आप देखते हो ना फिल्म के सेट्स बने होते हैं, अब जो हिस्टोरिकल मूवीज होती हैं उनमें बहुत बड़े बड़े महल, तो इतने बड़े बड़े महल ऐसे हम बनाने लगे तो करोड़ों रुपए इन्हीं के फॉर्मेशन में ही खर्च हो जाता है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल नहीं होते, वो सेट्स होते हैं, उसमें सिर्फ पीओपी से वो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, रातों रात वो खड़ा कर देते हैं उसको, क्योंकि बस वो शेप में वो मोल्ड्स, उसको फिल करना होता है मोल्ड्स को। और जैसे आपको अगर महल चाहिए वो, अगर हॉस्पिटल चाहिए तो वैसा स्ट्रक्चर, आप अगर भी कभी अगर फिल्म सिटी में विजिट किया है तो उसमें हर फिल्म का आपको सेट वहां पर बना हुआ मिल जाएगा जहां पर फिल्म सिटी में शूटिंग होती है, तो सब पीओपी से बनाए हैं। आगे वाली साइड उसकी अगर हॉस्पिटल होती है, पीछे वाली साइड कोर्ट बना दी होती है, तो सिर्फ उनको एक पिक्चर चाहिए होती है, तो उसके लिए उतना वो स्पेंड नहीं करते हैं, और वो हर जगह सिटी में जाके हर लोकेशन पे शूट भी नहीं कर सकते, अलाउड भी नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए वो पीओपी को यूज करते हैं। और क्या यूजेस हैं इसके, जैसे कि डेकोरेशन पर्पज, के फॉल्स सीलिंग आपके घर पे होंगी, ठीक है, बड़ी डिजाइनर सीलिंग पे बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हैं, या लाइट्स लगाते हैं आजकल बहुत सुंदर सुंदर, तो जो भी फॉल्स सीलिंग होती है दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ जिप्सम। देन बहुत सारे टॉयज या शो पीस वगैरह वो भी जिप्सम के बने होते हैं, डेकोरेटिव पीसेस दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पीओपी, नॉट जिप्सम, पीओपी, डेकोरेटिव पीसेस, ठीक है। और इसके क्या यूज होते हैं, आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा, जब फ्रैक्चर हो जाता है, बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम पीओपी का पूरा स्ट्रक्चर पूरा वो करके उसको हीलिंग के लिए सेट कर देते हैं। थोड़ी देर उसको टिकने देना पड़ता है, सूखा सूखने देना पड़ता है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि सीमेंट भी हम इसीलिए ऐड करते हैं बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू गेट सेट, ठीक है। तो वो जो फ्रैक्चर्ड बोन पे भी अप्लाई करेंगे उसको भी थोड़ा टाइम लगता है, और वो धीरे धीरे सेट होता है, और वो सेट हो जाएगा एक बार तो फिर अंदर बोन मूव नहीं हो पाती, तो वो बोन जब तक मूव नहीं करेगी उसी पोजीशन में रहेगी, धीरे धीरे हील करेगी, और उसके बाद हम उस प्लास्टर को कट कर देते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, ठीक है। तो ये हो गया पीओपी की बात। अब अगर पीओपी को
और ज्यादा हीट कर दोगे अबव 373 केल्विन, तब ये बन जाएगा डेड बर्न्ड प्लास्टर। तब इसका सारा का सारा सारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच था इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर, वो सब रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसमें डाल दोगे, इसमें और ज्यादा हीट इसको कर दोगे अबव 373 केल्विन, ठीक है, तब ये बन जाएगा डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है, ओके। तो ये थे आपके कमर्शियली इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स। थोड़ा सा हम पीएच का भी कर लेते हैं, इसके बाद हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस, विल डिस्कस देम। ठीक है, सो पीएच में मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, जैसे हमने कुछ चीजों की पीएच तो पढ़ी थी, हमारी बॉडी की पीएच किस रेंज में होती है? पीएच ऑफ आवर बॉडी इज इन रेंज ऑफ 7 to 7.8। बॉडी की पीएच इज बिटवीन 7 to 7.8। बॉडी की बता रही हूं मैं, स्टमक की नहीं बता रही हूँ। स्टमक में एचसीएल है, बॉडी में नहीं है, पूरी में। सॉइल की पीएच, सॉइल जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। अगर सॉइल न्यूट्रल होगी तो प्लांट्स की यील्ड अच्छी होगी, लेकिन अगर सॉइल एसिडिक या बेसिक है तो फार्मर्स को और चीजें ऐड करनी पड़ती हैं उसमें, ताकि सॉइल की पीएच मेंटेन रहे। ठीक है, सॉइल नहीं, प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते अगर बहुत हाईली एसिडिक मीडियम उनको दे दो या हाईली बेसिक मीडियम उनको दे दो, उनको प्रॉपर पीएच मेंटेन चाहिए। राइट, माउथ की पीएच इज अराउंड 5.5। जैसे हमें बोलते हैं ब्रश करो, रात को सोने से पहले भी ब्रश करो, सुबह उठने के बाद ब्रश करो। अब ब्रश क्यों करते हैं? एक तो ठीक है, जो भी अगर कुछ आपके टीथ में फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। सेकेंडली, जैसे अगर आप शुगरी कोई सब्सटेंस खाते हो या कुछ भी खाते हो, तो आपको खुद भी अपने मुंह से स्मेल आने लग जाती है सुबह तक, अगर आप प्रॉपरली अपने टीथ ब्रश ना करो, या जो भी आपके माउथ में अगर फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग है या शुगर आपने खाई है, तो उसकी वजह से उसको डिकम्पोज करने के लिए एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो जो एसिडिक पीएच मुंह में आएगी वो, या प्रोड्यूस होगी, वो आपके टीथ खराब कर देती है, कैविटीज बना देती है। तो जो हमारा टूथपेस्ट है दैट इज बेसिक इन नेचर, तो वो उस एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। तो इसीलिए हमारे टूथपेस्ट में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उस पीएच को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर हमारी माउथ की पीएच ज्यादा ड्रॉप हो गई है, ज्यादा एसिडिक सब्सटेंसेस उसमें है, बिकॉज अगर फूड पार्टिकल्स रह जाएंगे, शुगर पार्टिकल्स रह जाएंगे, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए, माउथ को अपना काम करने के लिए उस एसिडिक पीएच का सहारा लेना पड़ता है। और अगर पीएच एसिडिक होगी तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी नीड बेस फॉर इट। राइट, एंट स्टिंग की हमने बात की थी कि एंट स्टिंग में क्या है, मीथेनोइक एसिड। ठीक है, एंट स्टिंग में मीथेनोइक एसिड है। तो बचपन में क्या होता था, जब हमें खेलते खेलते, हम लोग तो बहुत खेलते थे, तो कभी अगर बी स्टिंग कर लेती थी, ठीक है, तो दादी क्या करती थी, जो उस वक्त ज्यादातर जो नाइफ्स होती थी आयरन की होती थी, तो आयरन में थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा उसको मॉइस्ट करके रब करते थे, पहले पत्थर पे ऐसे रब कर लेंगे और फिर अप्लाई करते थे जहां पर स्टिंग किया जाता था। ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि एंट स्टिंग में एसिड है, जो नाइफ ली है उस, वो आयरन की है,
आयरन जब पानी में पानी के साथ कंबाइन करता है वो बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड वो बनाता है। और मैं आपको बता चुकी हूं कि जितने भी मेटल्स हैं उनके कंपाउंड्स का नेचर कैसा होगा, उनके कंपाउंड्स का नेचर होगा बेसिक, ठीक है। तो एंट स्टिंग एसिडिक, और जो नाइट रब की मॉइस्ट करके दैट इज बेसिक, वो न्यूट्रलाइज हो जाती थी और हमारी जो हाथ में जलन हो रही होती थी स्टिंग जहां किया होता था वो ठीक हो जाती थी, ठीक है। तो ओल्ड पीपल न्यू इट, दे न्यू इट ऑलरेडी कि क्या चीज है, कैसे वो ठीक होगा, आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। पर इससे याद रखना कि मेटल्स जो हैं उनके कंपाउंड्स बेसिक होते हैं, ठीक है। चलो, तो इससे रिलेटेड किसी ने भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज योर रेज योर हैंड्स, आई विल आंसर देम, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद द असाइनमेंट। एनी क्वेश्चंस सॉल्ट्स वाले टॉपिक में से, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। ओके, then we'll start with assignment. Where did we leave? We completed basis question, right? Base के question हमने कर लिए थे. We'll start with salt. Salt का ये 8th question निकालो please. It says baking powder is a mixture of sodium bicarbonate and option A is ascorbic acid, option B is tartaric acid, option C is citric acid, and option D is formic acid. So the correct answer is tartaric acid. ठीक है, next question. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why? बता सकते हो आप? ये कहता है कि जो मिल्कमैन है वो दूध में थोड़ा सा सोडा ऐड करता है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग दैट सोडा टू इट? रेट ऑफ फर्मेंटेशन इंक्रीज द रेट ऑफ फर्मेंटेशन इंक्रीज द रेट ऑफ या डिक्रीज द रेट ऑफ फर्मेंटेशन? डिक्रीज इंक्रीज ये जो सोडा वो ऐड करता है दैट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। दूध खराब कैसे होता है? दूध खराब होता है क्योंकि उसमें होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से और उसकी एक्टिविटी की वजह से वो दूध फर्मेंट हो जाता है, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड के नाम से ही पता चल रहा है कि वो एसिडिक है नेचर में, तो अगर हम कुछ ऐसा डालें कि ये एसिड न्यूट्रलाइज हो सके, जैसे कि इसमें बेस डाल दो, बेसिक कंपाउंड कौन है, वो सोडा, ठीक है, तो वो बेस डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है ताकि उसकी ग्रोथ ज्यादा ना हो सके, या जितनी भी हुई है वो थोड़ी दब जाए, डिक्रीज हो जाए रेट ऑफ फर्मेंटेशन और दूध खराब ना हो। क्योंकि ये जो दूध वाले होते हैं, क्या ये जैसे अर्ली मॉर्निंग तो आते हैं, लेकिन सिर्फ मॉर्निंग वाला दूध थोड़े ना होगा, जब भी ये गाय या भैंस जो इनके पास होती है वो सुबह भी दूध देगी शाम को भी देगी, तो शाम को जनरली लोग कम लेते हैं, सुबह उनकी डिमांड ज्यादा होती है, तो ये जो भी शाम का दूध बचा होता है जितना भी डिलीवर हुआ हुआ, बाकी जो बचा होता है वो सुबह के लिए रख लेते हैं, लेकिन वो खराब भी हो सकता है, तो उसकी रेट ऑफ फर्मेंटेशन को थोड़ा सा घटाने के लिए दे एड सोडा टू इट, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज डिक्रीज द रेट ऑफ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट इज फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर गिवन बिलो, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड
and potassium hydroxide are soluble in water. Is this true? Yes. Yes, ma'am. Second statement is calcium hydroxide and magnesium hydroxide are partially soluble in water. Is this true? Yes. देखो ये वही है जो मैंने आपको बताया था ना कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट वाली लाइन है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वो सबसे रिएक्टिव होते हैं और वो इजीली डिसॉल्व भी हो जाएंगे. ठीक है, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल है. और उसे आगे वाली लाइन में आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम बोलेंगे जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है. ठीक है, एंड दे आर पार्शली सोल्यूबल इन वॉटर. Third says all metallic hydroxides react with acids to form respective metallic salt. Aisa hota hai? Acid plus base gives you? So, jo metallic hydroxides and they are bases. So, they'll combine with acids to give you salts. Right? Fourth is metallic oxides are acidic oxides. False. No, they are basic oxides. ठीक है, तो हमारा first, second and third statement is correct and according to that C is the correct answer. ठीक है, then comes which of the following statements is correct regarding neutralization reaction. Neutralization के regarding कौन सी statement correct है, you have to choose. First one is salts are produced by the process of neutralization between acid and base. ऐसे ही होता है? Yes. Statement says oxygen and water are liberated as products. Is this true? Yes. No. Yes. जो यस बोल रहे हैं कोई मुझे एग्जाम्पल बता सकता है कौन सी न्यूट्रलाइजेशन वाली प्रोसेस में ऑक्सीजन लिबरेट होती है? एनी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वेयर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, एनी एग्जाम्पल, एनी वन ऑफ यू, बिकॉज आई डिडंट फाइंड एनी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन लिबरेट होती हो. एसिड और बेस आपस में जब कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट बनता है या फिर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड्स और भी रिलीज होती है. कोई ऑक्सीजन वाला एग्जांपल पढ़ा है कहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स अगर किसी ने पढ़ा है तो, बिकॉज आई डोंट फाइंड द स्टेटमेंट ट्रू. पर आपके जो ऑप्शंस हैं उन सब में सेकेंड ऑप्शन गिवन है ऐसा? Yes. I didn't find any example, so I won't agree with this. I find the statement untrue. So according to me, second statement is not true. Right? क्योंकि ऑक्सीजन मैंने नहीं देखा किसी भी उसमें रिलीज होता हुआ. If anybody of you or any teacher has an example, you may please let me know that. Now, third is salts of strong acid and strong base are neutral in nature. Is that true? Yes. 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 The third says common salt is process of neutralization. Is that true? Yes. So, according to me, first, third, and fourth statement is true, right? So, make another option. यहाँ पर 1, 3, and 4 आपकी option हो and tick it. Next is 12th question. Fill the missing data. इसमें आपने बताने क्या चीज के combination से वो बन रही है. Right? So, first one and this is ammonium chloride. Ammonium chloride is combination of अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड क्या होगा? HCl. ठीक है, सॉल्ट में जब वॉटर एड करते हो अमोनियम NH4 पॉजिटिव है और क्लोराइड Cl नेगेटिव है. वॉटर में H पॉजिटिव है
और OH नेगेटिव है, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया है इधर, तो बचा क्या? H और Cl, राइट? सो इस तरीके से आपने इसको कर लेना है. वाटर ऐड करोगे सॉल्ट में तो एसिड और बेस मिल जाएगा. जो गिवन है वो काट दो, जो बचा है वो आपके ऑप्शंस होगी. अच्छा, सेकंड में क्या है आपके पास? H2SO4 है, दिस इज एसिड. आपको बताना है इसमें फॉर्मूला, आपको बताना है और आपको इसमें बताना है बेस कौन सा है और सॉल्ट कौन सा होगा. अब एसिड में क्या है? H पॉजिटिव और सल्फेट आयन है. पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन है और नेगेटिव आयन जो है वो सल्फेट है, ठीक है. अब H से आपको कौन सा एसिड पता है? H से कौन सा एसिड बन सकता है? H2SO4 तो ऑलरेडी है. यस, आप मुझे बताओ. एसिड यू गिवन, बेस यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, सल्फेट के साथ कोई मेटल की आयन साथ में कंबाइन करके एक बेस का नाम बताओ. सल्फेट के साथ कोई भी मेटल, जो भी हमने इतने जितने भी मेटल पढ़े ग्रुप वन ग्रुप टू के, उसमें से कोई भी, जैसे सोडियम के साथ हो सकता है, कैल्शियम के साथ हो सकता है, ठीक है. तो सपोज अगर मेरे को बेस बनाना है, मुझे पता है मेटल का कंपाउंड जो है वो बेस होता है, तो मैं मेटल का कंपाउंड या मेटल सल्फेट ले लूं, ठीक है, तो मुझे पता है वो बेसिक होगा, ठीक है. तो अगर मैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इसमें पर सल्फेट कैसे बनेगा? एच एंड सी एल, बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड वी कैन टेक, राइट. एक मिनट, अगर मेरे पास ये होगा सॉल्ट में यू गेट Na2SO4, ठीक है. यहां पर अगर आप NaOH लेते हो, यहाँ का पॉजिटिव और यहाँ का नेगेटिव आपस में मिल जाएगा, और वाटर हमारे पास साथ में रहना है. एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, तो मैं वाटर के लिए H इधर से ले लूंगी, OH इधर से ले लूंगी, ठीक है. तो वाटर निकल जाएगा और मेरे पास सॉल्ट बन जाएगा. तो फर्स्ट ब्लैंक में यू कैन राइट सोडियम सल्फेट, जो कि सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा. बेस पे यू कैन राइट सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड एसिड में यू कैन राइट H2SO4, क्योंकि हमने वाटर एलिमिनेट करना है. तो एसिड से H ले लेंगे और OH ले लेंगे यहाँ वाले बेस पे, ठीक है, वाटर एलिमिनेट करने के लिए. कॉपर सल्फेट इज़ गिवन. हाँ जी, कॉपर सल्फेट. अच्छा, सॉरी, आई डिडंट सी दैट. कॉपर सल्फेट बनाना है, तो यस वी कैन टेक कॉपर हाइड्रोक्साइड हियर देन. ओके, सो हमारे पास, आई विल राइट इट अगेन. ओके, दिस इज गिवन, दैट इज आई वाज थिंकिंग कि हाँ, कॉपर सल्फेट आपको बनाना है. कॉपर सल्फेट इज CuSO4, तो ये आपका सॉल्ट है. सो इसके लिए आपको एक लेना है एसिड और एक है बेस. एसिड में यू गिवन H2SO4, ठीक है. तो आपके पास बेस के लिए क्या बचेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड. कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि H तो यहाँ से मिलेगा, OH मुझे बेस से मिलेगा, तो मुझे कॉपर की हाइड्रोक्साइड लेनी है, ताकि मैं यहाँ पर OH नेगेटिव आयन यहाँ से और H पॉजिटिव यहाँ से लेके वाटर निकाल के कॉपर और सल्फेट आयन को कंबाइन करके कॉपर सल्फेट बना सकूं. राइट, थर्ड वन इज सोडियम क्लोराइड, NaCl. अब NaCl में यू हैव सॉल्ट इज NaCl, बेस इज
NaOH क्या ऐड करोगे इसमें एसिड? HCl. HCl ठीक है, ताकि यहां से OH यहां से H लेके आप NaCl बना सको. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम नाइट्रेट Mg NO3 ट्वाइस. अब इसमें आपके पास ये बेस ब्लैंक है और नाइट्रिक एसिड है. अब H पॉजिटिव तो ये हो गया, OH नेगेटिव की सोर्स यहां पर होगी और मेटल कौन सा होगा जिसकी हाइड्रोक्साइड बनानी है? दैट इज मैग्नीशियम. ठीक है, तो ये बन जाएगा Mg OH ट्वाइस, राइट. नेक्स्ट है आपके पास पोटेशियम सल्फेट. पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4. अब इसमें आपको दोनों चीजें नहीं दी, पर बेस में OH नेगेटिव आयन के साथ और एसिड में H पॉजिटिव आयन के साथ इनकी आयन्स को कंबाइन करना है. तो बेस है मेटल की आयन, दिस बिकम्स KOH. ठीक है, K पे वन पॉजिटिव है और एसिड में सल्फेट आयन लगानी है, तो दिस बिकम्स H2SO4. और लास्ट है आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट. कैल्शियम नाइट्रेट में CaNO3 ट्वाइस, एक है आपके पास बेस और एक है एसिड. बेस इन्होंने दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिड क्या होगा? HNO3. एसिड में H पॉजिटिव आयन तो होगी ही और यहां से नेगेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा HNO3. फाइन, दिस इज डन. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्ट X कॉमनली यूज इन बेकरी प्रोडक्ट, यहीं से पता लग जाता है क्या होता है वो. सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. ठीक है, ऑन हीटिंग गिव्स अनदर सॉल्ट बाय, क्या मिलता था उसको हीट करके? NaHCO3 को हीट करते हो तो क्या मिलता है? CO2 तो मिलता है बेटा, लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट की प्रेपरेशन है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से ही होती है. यहाँ पर आपको पहले मिलेगा सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, ये आपका बेकिंग सोडा है और ये आपका वॉशिंग सोडा है. ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये आपका सोडियम कार्बोनेट है. ठीक है, इसकी प्रिपरेशन इसको हीट करके की जाती है. ठीक है, इसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाता है. So your Y is sodium carbonate. ठीक है, and Z gas is carbon dioxide, right? तो आपका ऑप्शन बनेगा D. नेक्स्ट इज मैच द कॉलम करना है. आप खुद देख के मुझे बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन सी ऑप्शन मैच करी है? सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ए के साथ बी ऑप्शन रहेगी, सेकंड ऑप्शन. सोडियम कार्बोनेट दैट इज यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो मैंने बताया था, तो बी के साथ थर्ड ऑप्शन सही रहेगी. थर्ड इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, ब्लीचिंग पर्पजेस के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए यूज होता है. फोर्थ इज कैल्शियम सल्फेट, यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटीरियल्स ऑफ डेकोरेशन. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, 15th क्वेश्चन सेज द ग्राफ गिवन बिलो
depicts a neutralization reaction. Acid plus alkali gives salt plus water. The pH of solution changes as we add excess of acid to alkali. तो बता सकते हो ग्राफ को देख के कौन से पोर्शन में आपके पास वो पीएच डिपिक्ट होगी जहां एसिड और सॉल्ट दोनों की पीएच सेम रहेगी, दोनों की सेम पीएच. कौन सा लेटर डिनोट कर रहा है? विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट. एसिड की पीएच कितनी होती है? बिलो सेवन. Below 7. Below 7 आपके सिर्फ डी लेटर है और एक्सेस में एसिड डाला है तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी एसिडिक सॉल्ट होगा और उसकी पीएच भी बिलो 7 होगी. समझे मेरी बात? तो ऑप्शन इज डी. डी ऑप्शन, डी ही आंसर है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस गिवन बिलो. Also choose the correct chemical formula A, B, C. आप बता सकते हो इस कंपाउंड में आपने जिंक पुट किया है. So you're getting A plus hydrogen. What is A here? बोलो. जिंक में एसिड पुट करते हो तो क्या मिलता है? चेक करो ना. एक एक में आपने एक कंपाउंड में जिंक पुट किया है एंड यू आर गेटिंग ए प्लस हाइड्रोजन. सेकेंड में HCl पुट किया है, यू आर गेटिंग बी एंड वाटर. ठीक है. और थर्ड में आपने एसिटिक एसिड पुट किया है तो सी प्लस वाटर. मतलब ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए नेचर में? ए कैसा होना चाहिए? बी कैसा होना चाहिए? एसिडिक. क्या ऑप्शन इसमें से आप चूज करोगे जो मैच कर रही है? देखो ऑप्शन जरा. व्हाट इज कंपाउंड एक्स जिसमें जिंक जिंक को ट्रीट करोगे और हाइड्रोजन मिलेगा और साथ में ए मिलेगा? डी ऑप्शन. डी ऑप्शन में एसिटिक एसिड है. एसिटिक एसिड प्लस जिंक. जिंक गिव यू NaOH प्लस ए. अच्छा, ए में इट सेज NaOH, zinc plus NaOH, zinc plus base gives you Na2ZnO2 plus water. ठीक है. और अगर आप इसमें NaOH में HCl डालते हो, X है ना NaOH, तो NaOH में acid डालते हो, you get salt plus water. और NaOH में acetic acid डालते हो, you get CH3COONa plus water. So correct option is A. अब A option को match करके देखो, क्या NaOH में ये तीनों चीजें डाल के आपको जो रिस्पेक्टिव एबीसी है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई डाउट है तो पूछो. मिल रहा है? रेज योर हैंड्स अगर मैं मेरे को जरूरत है इसको ड्रॉ करके बताने की. यू वांट मी टू राइट इट? रेज योर हैंड. ओके फाइन, मैं लिख के बताती हूँ आपको. See, आपके पास कंपाउंड जो X है दैट इज NaOH. इस कंपाउंड में अगर आप जिंक पुट करते हो, यू गोइंग टू गेट Na2ZnO2. अगर आप NaOH में HCl पुट करते हो, यू गोइंग टू गेट NaCl प्लस वॉटर. और अगर आप NaOH में CH3COOH पुट करते हो,
तो ये मिलेगा सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस वॉटर। ये तीनों रिएक्शन सही है। अब अपनी ऑप्शन चेक करो, ये आपकी ऑप्शन ए है, ये आपकी ऑप्शन बी है और ये आपकी ऑप्शन सी है, सी एच थ्री सी ओ ओ एन। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या बन रही है? ए। तो आप इसके साथ ही आपका चैप्टर फिनिश होता है। आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन बाय, एंजॉय एंड स्टडी। थैंक यू एवरीबॉडी। बाय मैम। बाय मैम। चलो।